सर, क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि चोरी किसे कहते हैं? चोरी का मतलब ये है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बिना परमिशन से उसका सामान लेके चला जावे, जैसे कि उसके घर से मोबाइल, घड़ी, सोना चांदी या उसके मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका कार, उसका बाइक, उसके बिना परमिशन से लेके चला जाए तो उसे हम चोरी कहते हैं। अगर कोई इंसान जानबूझ के चोरी का सामान खरीद रहा हो, तो उस इंसान के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? चोरी के मामले में इंडियन पेनल कोड में जो प्रावधान, सजा का जो प्रावधान दिया गया है वो 3 साल का सजा और फाइन है। ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि आपने जिसका सामान चुराया है, जिसका सामान आपने चुराया उस व्यक्ति से आप राजीनामा कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। दूसरा यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि इसमें आपको बेल जल्दी नहीं दिया जाएगा। लोअर कोर्ट में तो बेल मिलता ही नहीं, आपको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अप्लाई करना होगा अगर फर्स्ट टाइम आपने ये ऑफेंस किया है तो। अगर उससे ज़्यादा आपने ऑफेंस किया है, ये वाला अपराध किया है, तो आपको बेल जल्दी ग्रांट नहीं होगा। थर्ड वन इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये एक संज्ञेय अपराध है यानी कि एक डेंजरस ऑफेंस है। अभी हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए ए जो चोर है उसने बी को बेचा, बी जानता था कि ये सामान चोरी का है, ए ने जो चोरी किया और उसको बेचा है, उसके जानते हुए भी उसने अपने पास सामान रखा, उसको यूज़ किया, तो 411 इंडियन पेनल कोड के तहत जो प्रावधान दिया है 3 साल का सजा और फाइन है। सेम एज 378 जो चोर के डेफिनेशन में आईपीसी में दिया है, सेम सजा इसमें भी आएगा, लगभग सेम सजा होता है। सर, जाने अनजाने में अगर कोई व्यक्ति चोरी का सामान खरीद ले, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है? ए ने जो चोर है उसने बी को बेचा, बी अगर नहीं जानता था कि यह सामान चोरी का है तब क्या करे? तब जब ए को गिरफ्तार करता है पुलिस ऑफिसर, तो बी को भी जब गिरफ्तार किया जाए तो बी पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई करना चाहिए कि भाई हमको ये पता नहीं था कि यह सामान चोरी का है। अगर वो सेटिस्फाई कर देवे तो वो गिरफ्तार नहीं होगा, उसको पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41 CRPC के थ्रू नोटिस भेजेगा कि आप कोर्ट में अपियर हो और वहाँ पे बताइए कि आप कब आपने सामान लिया, कैसे लिया, आपको क्या पता था कि नहीं पता था कि ये चोरी का सामान है, वगैरह वगैरह। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप कुछ भी सामान लेते हैं तो सावधान रहिए, चोरी के मैटर्स में, चोरी के मामले में इन्वॉल्वमेंट मत रहिए थोड़े से लालच के चक्कर में कि आपको ये सस्ता मिल रहा है या आपको ये डिस्काउंट में मिल रहा है। प्रॉपर बिल लीजिए ताकि आपका सेफ साइड रहे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।